कॉन्सेप्ट है जैसे ये मतलब एवरी टाइम यू ईट एक अलग एक्सपीरियंस होगा, कभी आप खाएंगे तो आपको क्या होता है इसमें, ऐसा मुझे बताएं। जैसे देखची है, जब आप जो भी आपके पास आते हैं कस्टमर्स उनको देते हैं तो क्या ऑप्शंस होते हैं उनके पास? जैसे किसी को स्पाइसी खाना होता है, किसी को फीका खाना होता है, तो आप क्या देते हैं उन लोगों को? हमारे पास दो ब्रॉथ के ऑप्शन है जब आप आते हैं। ब्रॉथ यानी यखनी, ठीक है, यखनियाँ आप देते हैं, है ना? एक बेसिकली स्पाइसी बीफ मंगोलियन ब्रॉथ है, अच्छा, ठीक है ना, जिसमें स्पाइस लेवल बहुत ज्यादा है, सही, एंड आपके पास क्लियर ब्रॉथ है, अच्छा। अब आपको बोलते हैं कि डू यू वांटेड एक्स्ट्रा स्पाइसी, डू यू वांटेड मीडियम या बिल्कुल लो, उस हिसाब से वो आपको कस्टमाइज करके दे देते हैं। ओके, जैसे आप जब लोगों के पास आते हैं तो लेकर, ये एक जलता हुआ चूल्हा होता है? नहीं, तो ये आप बेसिकली आपके पास ये यूटेंसिल पड़ा होता है, आपके पास वो सूप ले आते हैं, एंड देन दे विल बर्न द फायर। ये दिखाएगा जरा कैमरे में, दिखाएं, ओके, इस तरह फायर होती है, तो दो मिनट के अंदर उबाली आ जाती है, देन यू एक्सपीरियंस उबाली में, देन यू एक्सपीरियंस स्टार्ट्स। आपने अलग अलग चीजें ऑर्डर किया, आपके पास वाइड रेंज है, आपके पास क्रैब स्टिक्स है, सॉसेजेस है, बीफ। यहाँ से शुरू करते हैं ना, इस तरह कैमरे में आ जाए इधर, जैसे हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, ये क्या कहते हैं इसे, ये डंपलिंग, डंपलिंग्स हैं, जो डंपलिंग्स के अंदर भी आपके चार डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बीफ है, चिकन, ये श्रिंप और वेजिटेबल, इसमें आपको ऑप्शंस तो काफी देते हैं। सॉरी, ये उठा के मैं दिखा देती हूं, ये डंपलिंग है, इसके अंदर आप कह रहे हो ऑप्शंस है, बीफ अलग अलग, जिस तरह हम घर में भी बनाते हैं, लेकिन ये डंपलिंग जो है इसमें कीमा होता है ना, जी जी जी, मटन कीमा, एक बीफ का है, एक श्रिंप है, एक चिकन है और एक वेजिटेबल है, मिक्स वेजिटेबल का, फिर सॉसेजेस हैं, क्रैब स्टिक्स हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे ये बीफ है आपका, ये सब पक सकता है, पतली पतली परते कटी है आपके सामने, देखिए इट्स वेरी थिनली स्लाइस्ड, इट्स वेरी थिन, हाँ, तो उबाला आया तो फौरन हो जाता है। अलग अलग चीज बेसिकली क्या है, वेजिटेबल्स आपके जैसे मशरूम से दे ऑलरेडी मेड, तो आप अंदर डालेंगे, इन अ मिनट इट शुड बी डन, सेम एज द बीफ, सो 1 मिनट to 3 मिनट्स में आपका जनरली खाना रेडी हो जाता है। सो ये आपके पास लॉबस्टर ऑप्शन है, प्रॉन्स है, आपके नूडल्स हैं, तो उसमें इट डिपेंड्स कि आपको क्या खाना है, एंड जब पहली बार आप खाएंगे, जैसे लाइक घर पे क्या करते हैं कि आप बीफ डालते हो तो रंग बदल जाता है, राइट, उससे आपको पता चल जाएगा इज इट डन, इज इट नॉट डन, सेम एज द प्रॉन्स वो कर्ल हो जाते हैं। अच्छा, जरा हम चले बना के देखते हैं ना, मैं अपने हाथ से बनाती हूँ, मैं एक मिनट, कोई टिश्यू पेपर है, पानी है, मैं जरा कुछ खुद करके देखती हूँ कि बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखते हैं ना, खुद जरा एक्सपीरियंस होता है। ओके, सो बेसिकली दो आपके पास सॉस के ऑप्शंस होते हैं जो पहले ऑर्डर करते हैं। अब जैसे मुझे स्पाइसी पसंद है, ठीक है, अब मैंने ऑर्डर किया, ये ब्रॉथ आया, चूल्हा जल रहा था, उसमें आके ब्रॉथ डाल दिया, ठीक है, या आप लोग घर में भी वैसे वो होता है ना, होम डिलीवरी भी होती है, हमने शुरू के 2 साल होम इवेंट्स किए थे, हमने फिर जाके रेस्टोरेंट खोला। अच्छा, अब जैसे डंपलिंग में कितनी डाल सकते हो, ये मुझे कैसे पता चलेगा? आप डालते हैं जितनी डालनी है आपको, जितना स्टूडियो की लाइट से वर्क करना है, इसको पकड़ना पड़ेगा ऐसे, जी जी, क्योंकि ये तो फ्रोजन होते हैं जब वहाँ आते। ओके, डंपलिंग्स डाल दी मैंने दो, ठीक है, और ये चिकन है, क्या है ये चिकन है, ये चिकन है, सही है, चिकन पहले क्या डालना चाहिए ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, ऐसा कोई रूल होता नहीं है पहले क्या डालना क्या नहीं डालना, ये आपके ऊपर होता है कि हाउ यू वांट टू प्रोसीड विद इट, क्योंकि देखिए ना, कोई चीज देर में गलती है, कोई चीज जल्दी गल जाती है, इसमें सब एक साथ ही हो जाती है, थोड़ा ज्यादा भी गल जाए तो इट वोंट रियली अफेक्ट द टेस्ट इतना ज्यादा। ये फिश है जैसे, ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप डालते जाए, खाते जाए, डालते जाए, खाते जाए। अच्छा, ये मशरूम्स है, रेस्टोरेंट में क्या होता है कि आप आधा घंटा वेट करते खाने के लिए, 15 मिनट में खा के निकल जाते हैं, पूरा प्रोसेस अबाउट 2 घंटे 1.5 घंटे का है कि आप बैठे बात करें, खाना जैसा बनते जा रहा है वैसा खाते जाए। और क्या होता है, चिकन है, टुडे आप बोलेंगे फिश है, अच्छा ये फिश है, सॉरी चिकन ये थी, चिकन वो थी, फिश, मैंने पता नहीं कितना सारा मीट डाल दिया एक साथ, क्योंकि देखिए जब आप कोई ऑर्डर करते हैं तो आपको सारी मीट एक साथ नहीं मिल रहे होते, यहाँ आपको ये भी मजे है। अच्छा, अब ये क्या है और वो क्या है? अच्छा, ये इंस्टेंट नूडल है, ये हमारे ग्लास नूडल्स हैं और ये हमारे एग नूडल्स हैं। एग नूडल्स डाल के देखें, डालें, हमारे मोस्ट पॉपुलर आइटम में से नूडल्स में से एग नूडल्स हैं हमारे। तो ये तोड़ के डालना पड़ेगा ना, सीधे डाल दें तोड़ के, हवे की कॉफी, मतलब ये मजा बहुत आता है ये एक्सपीरियंस करने में। तो ये आप घर पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, घर में ये जो ब्रॉथ है वो आप कोई खास रेसिपी के तौर पे तैयार करते हैं? जी जी, हमारी खुद की रेसिपी है, घर पे भी हम जाते हैं, सारा सेटअप मुकम्मल आपको लेकर आएंगे, A to Z सब कुछ हम लेकर आते हैं आपके पास। तो ये जो यखनी तैयार होती है क्या होती है, चिकन की होती है, बीफ की होती है? जो हेल्दी चीज है ना, देखे ना बच्चे ये नहीं खाते, इसके शौक में खा लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ,
ये बच्चे नहीं खाते, ये चीज है टोफू, टोफू टोफू है ये देखिए। अब कितना भर सकते हैं, कैसे पता चले? आप जो कहते हैं ऑब्वियसली अगर लेवल ऊपर आना शुरू हो गया तो आप रोक जाएं। हाँ, मतलब कि गिरे ना, गिरे ना। मैं यहाँ इतना तमीज से इस्तेमाल कर रही हूँ, अब जब मैं खुद खाने जाती हूँ ना तो मैं ऐसी यहाँ से बहरा होती सब चीजें। तो वही तो एक्सपीरियंस है ना कि आप पहली बार आएंगे, किस तरीके से आपको पसंद है, ज्यादा बढ़ना है, कम बढ़ना है, क्या आपको खाना है। समटाइम्स यू विल कम एंड से मुझे सिर्फ आज बीफ खाना है। ये समटाइम्स लोग आते हैं सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए आते हैं। मूड के ऊपर होता है ना कि भाई क्या है, क्या इसमें क्या, ये बोर नहीं होता है। हर वक्त आपके पास एक अलग ऑप्शन होता है। आपको कभी स्पाइस लेवल इंक्रीज करना है और आज आपको लग रहा है मुझे मिर्ची कम खानी है, सो द होल एक्सपीरियंस इज कस्टमाइज। अच्छा, बहुत सारे घर के मर्दों को ना बड़ा शौक होता है, हम कुकिंग करेंगे आज, किचन की मतलब सत्यानाश कर देते हैं, इतना गंद घोलते हैं। सो अगर जिसको शौक हो रहा है ना आपके घर के आदमियों को, उनको कर चलें भाई ये खा लेते हैं, उसकी रीज़न ये है क्योंकि फिर वो उनका शौक भी पूरा हो जाएगा। भाई है कहाँ हॉटपॉट कराची? हमारा ये है न्यू प्लेक्स फेज 8 के रूफ टॉप में। अच्छा, खुला है वो? खुला है, आउटडोर, इट्स वेरी ओपन, वेरी एयरी, तो काफी अच्छा मॉल बनता है उधर। और विंटर्स में सनमी दिस इज अ विंटर प्रोडक्ट है ना, तो विंटर में तो ये मतलब इट्स जस्ट कि आपको ठंड हो रही है एंड यू हैविंग हॉट सूप, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि लाइक क्या रिजर्वेशंस होती हैं, क्या किस तरह आप रिजर्वेशंस कर सकते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड, और वॉकिंस को भी एंटरटेन करते हैं। ओके ओके, सो इनके नंबर सामने है, ये इसका प्रोसीजर है। ये नया ट्रेंड चला हुआ है, आप जिस रेस्टोरेंट पे जाएंगे ये रेसिपी, ये डिश ज़रूर काफ़ी, जो पुराने पुराने भी आप लोगों से पहले भी, वो भी ये चीज़ आप रखने लगे हैं क्योंकि ये काफ़ी हिट हो रही है। लोग होम डिलीवरी कराते हैं घर पे भी, सो वो जो बॉन्डिंग डाइनिंग टेबल पे फैमिली की होती है वो मुझे लगता है एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा हो गया है सब अपने कमरों में बैठ कर खा रहे हैं, फोन पे लगे हैं, अब इसके करीब तो कोई फोन नहीं रखने ना कमरे में खा सकते ना फोन, इसलिए फैमिली अफेयर है, फ्रेंड्स अफेयर है, क्योंकि आप बैठे हैं बात कर रहे हैं इन घंटा देर, जनरली आप कभी डाइनिंग टेबल पे बैठते नहीं। एग्जैक्टली, दिस गिव्स यू द ऑप्शन कि आप बैठे रहें, बात करें एंड बोर नहीं होते, क्योंकि आप कभी आप देख रहे हो कि बात करेंगे ज्यादा बात करें तो पक गया नहीं, ओ निकालना है, राइट, उस तरीके से पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। अब ऐसा ना हो कि मतलब माशाल्लाह हमारे लोग तो कहीं ना कहीं मोल्ड करके पाकिस्तानियत ले आते हैं, सो इस खाने को पता चले बिरयानी भी ऐसे ही बन रही है, आगे चल के पुलाव बिरयानी सब ऐसे ही हो रही हो लाइव। देखिए एग्जांपल हम बातें कर रहे हैं, आपका खाना रेडी हो गया। मेरा खाना रेडी हो गया, बिल्कुल जी, जबरदस्त भाई ये एक्सपीरियंस। अच्छा जरा मैं बोल है कुछ जिसमें मैं निकालूं या प्लेट में निकालूं? प्लेट आप निकाल लीजिए, मुझे डर लग रहा है मैं बहुत फूर ना मशहूर हो जाऊं पूरी दुनिया में। इधर आप ये निकाल लें, अब मैं ठीक रखता हूं, टेक आउट। हां ये आप खुद निकाल दें क्योंकि माशाल्लाह चम्मच बहुत बड़ा है, डंपलिंग्स तो मतलब कि ये ऐसा खाना है कि निकालो और फौरन पेट में डालो, कोई इसकी डेकोरेशन आपको कुछ समझ नहीं आएगी। मैं तो ज्यादातर प्याले में ही चीजें निकाल कर खा रही होती हूँ। Assalamu alaikum everyone, this is Yashmagil here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.